हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जिन पर बदनामी के धब्बे लग जाते हैं या लगा दिए जाते हैं। कुछ सच्ची में ऐसे होते हैं और कुछ को ऐसे ही फ्री फंड में जो है वो लेबल दे दिया जाता है कि भाई नाजायज इनके जो हैं वो संबंध हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि क्या सभी रिश्ते जो हैं वो बदनाम होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ पर अच्छाई होती है, अच्छी सोच होती है, वहाँ पर इस तरह की सोच भी होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई किसी के साथ जब रिलेशन बनाता है तो वो गलत ही होता है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी मजबूरी होती है, सबकी अपनी चाहत होती है। बट जब कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी के साथ जो है वो संबंध बना रहा है तो मैं या आप कौन होते हैं उसको गलत या सही बोलने वाले। यहाँ पर बात आ जाती है कॉन्सेंट की। फिर वो कॉन्सेंट चाहे किसी भी रिलेशन में आपको मिला हो, अगर एक मेल चाह रहा है, एक फीमेल चाह रही है, तो दोनों का जो रिलेशन है ना वो मेंटेन करना उन दोनों के हाथ में होता है। जब हम उसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं। बट हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो कंट्री है, वहाँ पर रिश्तों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हाँ भाई ये रिश्ता ऐसा है, इसमें जो फिजिकल रिलेशन है वो कभी हो ही नहीं सकता है। बट जो इंसेस्ट की स्टोरीज आ जाती हैं, अभी आप लगा लीजिए माँ बेटे की कहानियाँ आ रही हैं, बहन भाई की कहानियां आ रही हैं, ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात हो जाती है। बाकी तो देखिए, कजन्स का लगा लीजिए, अब देवर भाभी के रिश्ते लगा लीजिए, जेठ बहू के लगा लीजिए, कई बार ससुर के भी हो जाते हैं, दामाद के भी हो जाते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के जो रिलेशंस हैं ना वो हमें देखने सुनने को मिलते हैं। हम मूवीज़ भी देखते हैं, ठीक है ना, हम सीरियल्स भी देखते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर बहुत से ऐसे नाजायज संबंधों को दिखाया जाता है जो पूरी फैमिली होते हुए भी चल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इतने टाइम पहले के सीरियल्स बने हुए, फिर आप चाहे CID लगा लीजिए, सावधान इंडिया लगा लीजिए, या बहुत सारे डेली एपिसोड्स, डेली जो सीरियल्स आते हैं, क्या वो सब मैंने बनाए हैं? आप तो मेरी किसी भी वीडियो पर ऐसे ही कमेंट कर देते हो ना, ये खुद ऐसा करती होगी तभी तो ऐसा वीडियो शेयर करती है, ये खुद ऐसी होगी तभी तो ऐसी बातें करती है, इसने चैनल ही ऐसा बनाया है जो इन सब टॉपिक्स को लेकर आती है, इसने तो ये सब किया होगा। बट आप एक बात जानते हैं कि जो इंसान बोलता है ना वो गलत कभी नहीं करेगा। जब मैं एक गलत चीज के बारे में बात करने की हिम्मत रख रही हूं ना, तो वो हिम्मत वहीं से आती है कि हाँ भाई मैं गलत नहीं कर रही हूं। मैं एक बात गर्व के साथ बोल सकती हूं कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड के सिवाय किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन आज तक नहीं हुआ, और अभी तक नहीं हुआ तो भाई देखिए आगे तो कोई चांस बनता नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे मेरे पास इतनी नॉलेज है ना कि मुझे पता है कि किस रिलेशन को किस तरह से निभाना चाहिए, किस रिलेशन की क्या लिमिट्स होती हैं। बट जो करते हैं क्या वो गलत है? नहीं, उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी होती होंगी। अगर कोई अपने हस्बैंड के सिवाय किसी और के साथ रिलेशन बना रही है ना लेडी, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई शौक ही है। कई बार बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, हम उन मजबूरियों को नहीं देख पाते हैं। बट कुछ को शौक भी होता है, किसी की शारीरिक भूख होती है जो भाई एक इंसान से शांत नहीं होती। फिर ऐसा नहीं है कि वो एक से ही रिलेशन बनाती है, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि हाँ भाई उनको रोज़ ही नए नए मर्द चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो किसी रिश्ते को छोड़ती ही नहीं है, कुछ पेड सेक्स भी करती हैं। तो सबकी थॉट्स होती हैं, सबको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपनी सेटिस्फेक्शन, ये सब हासिल करने का हक होता है। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, मैं किसी को सही नहीं बोलती हूँ। मैं इंसेस्ट को, देखिए इंसेस्ट की जो फीलिंग है ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। क्यों कर देती हूँ? बिकॉज मैंने इन लोगों की जो होते हैं ना अंदर, इनके घुटन जो है उसको फील किया है। मेरे पास जब इनके मैसेज आते हैं ना,
जब मैं उनको देखती हूँ कि मैं उससे इंटरेस्ट हूँ, मुझे मेरी मदर की तरफ या मेरी सिस्टर की तरफ जो है वो अट्रैक्शन होता है, मैं इतना ज़्यादा ऐसे ही अगर कोई मुझे गलत सी लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा सीधा अगर लिख के भेज देता है ना, तो मैं उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करती हूँ। बट जहाँ पर कोई इंसान उस चीज़ से परेशान होता है तो उस टॉपिक पर अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं भी वैसी ही जो थॉट है वो रखती हूँ। बच्चे मेरे भी हैं, हस्बैंड मेरा भी है, फैमिली, माँ बाप, ससुराल, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरी हर वीडियो भी वॉच करते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैंने छुपा के यहाँ पे चैनल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर चीज़ देखते भी हैं, समझते भी हैं। अगर मैं गलत होती तो वो कभी मुझे अलाउ थोड़ी ना करते कि भाई मैं ऐसे किसी भी टॉपिक पर जो है वो खुलकर बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कोई हस्बैंड इस चीज़ को बिल्कुल सहन नहीं करता है कि उसकी जो वाइफ है उसका रिलेशन किसी और के साथ है, फिर वो उसका कितना ही प्यारा इंसान क्यों ना हो। अभी हम बात कर ले कुकॉल्डिंग की, या फिर जैसे थ्रीसम चल रहा है, फोरसम चल रहा है, देखिए उन लोगों की जो थॉट्स है ना वही अलग हो जाती हैं, उनका लाइफस्टाइल ही अलग है। वो इस तरह की जो सोच रखते हैं ना, वो किसी भी रिश्ते को किसी जंजीर में, किसी बाउंड्री में कैद नहीं करते हैं। उनके लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो भी खुली हुई है, और किसी की क्या बोलूँ, मतलब उनका जो पार्टनर होता है ना उसकी भी ज़िंदगी मतलब आज़ाद होती है। फिर अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं ना, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मोस्टली अगर कपल्स की बात की जाए तो फिर चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो कभी ये चीज़ सहन नहीं कर पाएंगे कि उनका जो पार्टनर है उसका जो फिजिकल रिलेशन है वो किसी और के साथ है। किसी से सहन नहीं होता है। तो कमेंट बॉक्स में बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। अगर मैं किसी रिलेशन के बारे में आपको यहाँ जागरूक कर रही हूँ ना, तो आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बताया जाता है। बिकॉज हर नाजायज़ रिश्ते की बुनियाद, चाहे आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगती है, बहुत ज़्यादा प्लेजर वाली लगती है, बट इन द फ्यूचर उसके जो गलत इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड से छुपा लोगे तो भाई कल को बच्चों के सामने ये चीज़ आ सकती है, कल को आस पड़ोस में पता चलता है। बट वो टाइम ऐसा होता है ना, वो चाव ऐसा होता है, वो खुशी ऐसी होती है, वो प्लेजर ऐसा होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने ही घर में जो है वो गलत गलत रिश्ते बना लेते हैं। और ये जो गलत रिश्ते बनते आ रहे हैं ना, और ये आज से नहीं बनते आ रहे हैं, ये जो पहले से ही बनते आ रहे हैं ना, उन्हीं ऐसे रिश्तों की वजह से आज के टाइम पर बहुत सी जो फैमिलीज हैं वो सेपरेट रहती हैं। भाई ज्वाइंट फैमिली में तो देखिए पहले पता ही नहीं चलता था कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती थी, बस अपना काम किया और चलो जी। बट आजकल जो लड़के हैं वो भी इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं, जो लड़कियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हैं। हालांकि नाजायज़ रिश्ते आज भी बहुत ज़्यादा पनपते हैं, बट दोनों को पता होता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो इसका क्या मुझे फ़ायदा है, क्या मुझे नुकसान है। और कुछ रिश्ते तो देखिए ऐसे होते हैं, अगर उनको इज्जत से प्यार से भी कोई समेट के रखे ना, तो उन पर जो उंगलियां हैं वो उठा दी जाती हैं। अभी आप सोच के देखिए ना, देवर भाभी का रिश्ता एक तरफ तो एक बोला जाता है कि भाई भाभी जो है वो माँ के समान होती है, भाभी देवर जो है वो बेटे के समान होता है, बट सबसे ज़्यादा बदनाम भी तो यही रिश्ता है ना। देवर भाभी का रिश्ता अगर पाक पवित्र भी होगा ना, बट दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी होगी, दोनों की जो बातचीत है वो अच्छी होगी, तो उस पर भी लोग गलत सवाल उठा देते हैं। बिकॉज कुछ रिश्ते बनाए ही ऐसे गए हैं। अब जीजा साली का रिश्ता ले लीजिए, मान लीजिए उनके बीच में फिजिकल थॉट्स भी नहीं है, रिलेशन की बात आप छोड़ ही दीजिए कि कभी उन्होंने किसी को एक दूसरे को मतलब टच भी किया होगा, बट अगर वो 10 लोगों के सामने हंसकर बात भी कर रहे हैं ना आपस में, उनके बीच में अगर कोई
अपनी, चाहे मतलब घर की ही बात हो रही हो, बट एक अगर स्माइल के साथ वो लोग बात करेंगे ना, तो जो देखने वाले हैं ना वो उस पर हजार तरह के सवाल उठा देंगे कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है, रिश्ता ही ऐसा है। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनको पवित्रता से भी निभाएंगे ना, तो भी आप पर जो बदनामी के धब्बे हैं वो लग जाएंगे। देखिए, ये आपकी मर्जी है कि आप किस रिलेशन को किस तरीके से निभाना चाहते हैं, कौन से तरीके से उसको रखना चाहते हैं। फिर आप फिजिकल होइए उसके साथ, नहीं होइए, वो तो टोटली आपका जो है वो डिसीजन है ना। आप कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, कैसे आप खुश रहना चाहते हैं, वो तो एट द एंड आपको ही डिसाइड करना है। मैं या कोई भी और इंसान आप पर उस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं डाल सकता है। चलिए, आज बातें बहुत हो गई, अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ। और आप ऐसे ही किसी टॉपिक पर चाहते हैं डिबेट, दोनों तरफ की बातें, तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। अभी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।